फरवरी के महीने में जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश, यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं धरती के जन्नत यानी कश्मीर की। पहलगाम में इन दिनों खूब बर्फबारी हो रही है। लोग, खासतौर से सैलानी, काफी संख्या में बर्फबारी एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। कुछ सैलानी पहली दफा, तो कई ऐसे भी मिले जो पहले भी कश्मीर आ चुके हैं और इन हसीन वादियों को अपनी यादों में कैद कर रहे हैं। यही नहीं, कई सैलानी तो ऐसे भी मिले जो ये कहते नजर आए कि वो यहाँ के लोगों के व्यवहार से भी काफी खुश हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। इतना स्नोफॉल तो नहीं मिला, लेकिन इतना स्नो पहली बार देखा है हमने। सो बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत खेलने का स्नो के साथ, ऐसे अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। दिस इज माई सेकेंड टाइम मैं पहलगाम आ रही हूँ एंड आई थिंक आई कैन कीप कमिंग। मैं हमेशा आ सकती हूँ। जैसे लोग सोचते कि कश्मीर आना इतना सेफ नहीं है, आई वुड लाइक टू से कि कश्मीर के लोग बहुत स्वीट है, सब बहुत हेल्पफुल है। अगर कभी को कुछ हो भी जाए, जो कभी न्यूज़ में चलता है, तो आई एम श्योर लोग इधर के इतने हेल्पफुल है, दे ऑल आर हेल्पिंग। इधर का लोग, इधर का क्लाइमेट, बर्फ जो देखने आई थी, सो हैप्पी बर्फ देख के इधर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एक्चुअल में हमने लोगों से सुना था कि यहाँ पे जो लोग सपोर्टिव नहीं है, पर एक्चुअल में बहुत लोग जो है बहुत सपोर्टिव है। बहुत मजा आ रहा है, व्यू बहुत अच्छा, बर्फ बहुत अच्छी पड़ी हुई है। और हम यहाँ से दो दिन से हमने टूर कहीं और का था और निकल हम यहाँ पे, और एक्चुअल में बहुत मजा आ रहा है। जहाँ नजर डाली जाए वहाँ बर्फ ही बर्फ। पहाड़ों का ये नैसर्गिक नजारा देखने लायक होता है। ये प्यारी सी तस्वीर तो केवल पहलगाम की है। कश्मीर में कई ऐसी जगह हैं जो इन दिनों बर्फ से लकदक हैं और वहां हर कोई जाने के लिए इन दिनों आतुर है। चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहां भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल की प्राकृतिक खूबसूरती बढ़ी हुई है। शिमला के पास कुफरी और नारकंडा ने भी इन दिनों बर्फ की चादर ओढ़ी हुई है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस बीच सैलानियों की आवाजाही भी खूब है। कहा जा सकता है कि देश के पहाड़ी हिस्सों में इन दिनों बर्फबारी ने न केवल सैलानियों के एंजॉयमेंट को बढ़ाया है, बल्कि साल भर पर्यटकों की आमद का इंतजार करते व्यापारियों के चेहरे पर भी रौनक दे दी है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।